आज से 7 साल पहले राधिका गुप्ता को एक इन्वेस्टर ने उनकी कंपनी की एबिलिटी के बारे में पूछा। इस सवाल के जवाब में राधिका गुप्ता ने कहा कि फिलहाल तो मेरी कंपनी की कोई एबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये जरूर एंश्योर कर सकती हूँ कि हम चप्पल ज्यादा घिसेंगे। राधिका गुप्ता के ये शब्द उनके उस विल पावर को दर्शा रहे थे जिसकी बदौलत वो आने वाले समय में फाइनेंशियल सेक्टर की क्वीन बनने वाली थी। वैसे मैं आपको बता दूं, राधिका गुप्ता एडलवाइज म्यूचुअल फंड की MD एंड CEO है, जिसे एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के थ्रू स्पॉन्सर एंड मैनेज किया जाता है। दोस्तों, एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का 2023 का रेवेन्यू था अराउंड $1.1 बिलियन का। वैसे दोस्तों, आज के टाइम में राधिका गुप्ता के अंडर में हजारों एम्प्लॉइज काम करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक दौर ऐसा भी था कि उन्हें कहीं पे नौकरी ही नहीं मिल रही थी। इंटरव्यू में 7 बार रिजेक्ट हो जाने के बाद में उन्होंने अपनी जान तक लेने की कोशिश की थी। उनकी जिंदगी में कोई एक बुरा दौर नहीं था, बल्कि उन्होंने तो बचपन से सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां झेली थी। देखिए दोस्तों, जन्म से ही उनकी जो गर्दन थी वो टेढ़ी थी, इसलिए उनको शुरुआत से ही काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। लेकिन उन प्रॉब्लम से हार मानकर रुकने के बजाय राधिका गुप्ता ने उनसे इंस्पिरेशन लेकर आगे बढ़ना सीखा, और इसका नतीजा ये निकला कि आज वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच चुकी है। तो राधिका गुप्ता ने इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद ये सब कैसे हासिल किया, जानने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूं। दोस्तों, राधिका गुप्ता का जन्म 14 सितंबर 1983 को पाकिस्तान में हुआ था। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन उनके जो पेरेंट्स थे वो इंडियन ही थे। देखिए, राधिका गुप्ता के जो पिताजी थे योगेश गुप्ता, वो IFS ऑफिसर थे। उन्होंने 1976 में UPSC क्वालिफाई किया था। इंडियन फॉरेन सर्विस में होने की वजह से जब राधिका का जन्म हुआ उस समय उनकी पोस्टिंग पाकिस्तान में थी। वैसे राधिका के पिताजी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से बॉटनी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। दोस्तों, योगेश गुप्ता जी को UPSC में 7th रैंक मिला था। उसके बाद में उनको इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए चुन लिया गया। इसके अलावा राधिका गुप्ता की जो माँ है उनका नाम है आरती गुप्ता, वो एक टाइम में स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी है। राधिका के जीवन का संघर्ष उनके जन्म के साथ ही शुरू हो गया था, क्योंकि दोस्तों जन्म के वक्त बर्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनकी गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई। छोटी उम्र में उनकी टेढ़ी गर्दन के बारे में उनके पेरेंट्स को ज्यादा समझ में नहीं आया, और जब तक उनको इस प्रॉब्लम का समझ में आया तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि राधिका की गर्दन परमानेंटली टेढ़ी हो गई थी। टेढ़ी गर्दन की चुनौती कदम कदम पर उनका रास्ता रोकने के लिए खड़ी थी, लेकिन पिता योगेश गुप्ता जी ने कभी भी अपनी बेटी की कमजोरी को उनके रास्ते की रुकावट बनने नहीं दिया। पिता से मिले हौसले को उन्होंने अपनी ताकत बनाया और जिंदगी में आगे बढ़ती रही। देखिए दोस्तों, इनको पढ़ाई का काफी शौक था, लेकिन पिता के डिप्लोमेट जॉब की वजह से उनको हमेशा एक देश से दूसरे देश में शिफ्ट होना पड़ता था, और इस वजह से उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि जब भी वो किसी नई जगह पे जाती थी उनको फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ती थी। नए देश के नए स्कूल के अंदर नए क्लासमेट्स के साथ फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता था। इसके अलावा स्कूल टाइम पे उन्हें कई बार उनकी टेढ़ी गर्दन की वजह से बुली भी किया जाता था, पर राधिका इन सारी चीजों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना सीख चुकी थी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, बचपन से उनको पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए वो अपना सारा ध्यान पढ़ाई में ही लगाया करती थी। इनको मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद था। देखिए दोस्तों, एक बार की बात है, राधिका के पिता की पोस्टिंग नाइजीरिया में हो गई। तब राधिका नाइजीरिया के अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा करती थी, और दोस्तों उस स्कूल में ज्यादातर बच्चे ऐसे थे जो अमीर घरों से आते थे, और उन बच्चों की जो हॉबीज थी वो भी अमीरों जैसी ही थी। तो उनको देखकर राधिका ने भी उनके जैसी हॉबीज रखने के बारे में सोचा, और फिर उन्होंने अपने पापा से कहा कि मैं हॉर्स राइडिंग सीखना चाहती हूँ। लेकिन उनके पिता ने उनको अलाउ नहीं किया, बल्कि एक नई हॉबी शुरू करने के बारे में कहा, और वो हॉबी थी ब्रिज की। दोस्तों, जब राधिका 13 साल की थी तब उनके पिताजी ने उनको ब्रिज के कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में बताया, और तब से लेकर अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ तक उन्होंने दो ही काम किए, सबसे पहला पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करना, और दूसरा ब्रिज खेलना। राधिका जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उनकी गर्दन का जो टेढ़ापन था वो क्लियरली दिखने लग गया था, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा अनसिक्योर फील हुआ करता था। वो वजन कम करने से भी डरती थी, क्योंकि उनको लगता था कि अगर उन्होंने वजन कम कर लिया तो उनकी गर्दन और ज्यादा टेढ़ी दिखने लगेगी। लेकिन उनके माता पिता ने इतना हौसला दिया कि आखिरकार वो खुद को एक्सेप्ट करना सीख गई। अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए राधिका ने अमेरिका के आईवी लीग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन उनको जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उनका एडमिशन हो पाएगा। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इन कॉलेजेस में ज्यादातर ओलंपिक मेडलिस्ट, म्यूजिकल अवार्ड विनर या कोई दूसरी बड़ी अचीवमेंट हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को ही एडमिशन दिया जाता है। दोस्तों, राधिका ने अपनी माँ से कहा कि मेरे पास ना तो कोई ओलंपिक मेडल है और ना ही मैंने आज तक कोई बड़ी चीज अचीव की है, तो फिर मुझे एडमिशन कैसे मिल सकता है। इस सवाल पर राधिका की माँ ने उन्हें बस एक ही जवाब दिया, तुम बस खुद के प्रति ईमानदार रहो, बाकी सब अच्छा होगा। राधिका ने अपनी माँ की बातों का पालन किया और उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें प्रेस्टीजियस वॉटन बिजनेस स्कूल में एडमिशन मिल गया। उन्होंने यहाँ से इकोनॉमिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली, साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस से कंप्यूटर साइंस में भी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने वाली राधिका गुप्ता ने 22 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली और एक बेहतर नौकरी की तलाश में लग गई, और दोस्तों यहां से उनकी जिंदगी में एक नए फेज की शुरुआत हुई। राधिका एक के बाद एक करके कई नौकरियों के लिए अप्लाई करती गई। उन्होंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन फिर भी वो हर बार रिजेक्ट हो जाती थी। उन्होंने बैक टू बैक 7 जॉब्स के लिए अप्लाई किया था और सातों जगह से उन्हें रिजेक्शन मिला। सातवें रिजेक्शन के
बाद तो वो पूरी तरीके से टूट गई थी, वो अपनी जिंदगी में हार मान चुकी थी। फिर एक दिन 19 फ्लोर की बालकनी में जाकर वहां से नीचे कूदने के बारे में सोचने लग गई, लेकिन नीचे कूदने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। फिर उनके दोस्त उनको साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए और तब पता चला कि वो डिप्रेशन से गुजर रही है। काफी समय तक उनके डिप्रेशन का इलाज चलता रहा और फाइनली डिप्रेशन से बाहर निकली और उसके बाद में उन्होंने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचा। फिर दोस्तों उन्होंने टॉप फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विस मैकेंजी में नौकरी के लिए अप्लाई किया। उनका इंटरव्यू 90 मिनट तक चला था। क्या आप गेस कर सकते हैं कि इस 90 मिनट में क्या क्या बातें हुई होंगी? 90 मिनट के इस इंटरव्यू में 85 मिनट तक राधिका और इंटरव्यूअर के बीच में सिर्फ और सिर्फ ब्रिज के बारे में बात हुई थी, क्योंकि इंटरव्यूअर खुद भी ब्रिज चैंपियन रह चुकी थी। राधिका के ब्रिज के नॉलेज से इंप्रेस्ड होकर इंटरव्यूअर ने उन्हें नौकरी दे दी। मैकेंजी में उन्होंने लगभग 1.5 साल तक काम किया। उसके बाद में AQR कैपिटल मैनेजमेंट में चली गई। वहां पे उन्होंने पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में काम किया। कुछ टाइम तक ये काम करने के बाद में राधिका ने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करने का फैसला लिया और फिर 2008 में महज 25 साल की उम्र में वो अमेरिका से इंडिया में आ गई। अब इंडिया में किसी कंपनी में जॉब करने के बजाय उन्होंने खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला लिया। उनके इस फैसले में उनके पति नलिन मोनिज ने काफी ज्यादा साथ दिया। दोस्तों राधिका और मोनिज की जो दोस्ती थी वो कॉलेज टाइम से थी। इसके अलावा AQR कैपिटल मैनेजमेंट में भी वो साथ में काम किया करते थे और आगे चलकर दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद में दोस्तों इन दोनों ने मिलकर 2009 में फोर फ्रंट कैपिटल मैनेजमेंट नाम से एक एसेट मैनेजमेंट फर्म बनाई और बहुत ही कम टाइम में फोर फ्रंट का जो बिजनेस था वो भारत के लगभग 12 शहरों में फैल गया और इनके पास 200 से भी ज्यादा क्लाइंट्स हो गए थे। उसके बाद में 2012 में सेबी ने नए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन के तहत डोमेस्टिक हेज फंड का लाइसेंस फोर फ्रंट को दे दिया और ये इंडिया की पहली ऐसी कंपनी थी जिसको ये लाइसेंस मिला था। उसके बाद में 2014 में एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने अनडिस्क्लोज अमाउंट पर फोर फ्रंट को एक्वायर कर लिया। राधिका और मोनिज के साथ साथ अनंत जातिया भी फोर फ्रंट के को फाउंडर थे। एक्विजिशन के बाद में अनंत ने कंपनी से एग्जिट ले लिया, लेकिन मोनिज और राधिका कंपनी के साथ बने रहे और आगे एडलवाइज के साथ मिलकर अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाते रहे। उसके बाद में 2016 में राधिका ने अंबित अल्फा फंड और जेपी मॉर्गन असेट मैनेजमेंट का एडलवाइज के साथ एक्विजिशन करवाने में मेन रोल प्ले किया था। दोस्तों एडलवाइज में इनिशियली वो एडलवाइज मल्टी स्ट्रेटजी फंड मैनेजमेंट की हेड थी। इस पोस्ट पर रहते हुए वो स्ट्रेटजिक डायरेक्शन, ओवरसीइंग इन्वेस्टमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन जैसी चीजों को संभालती थी। फिर 2017 राधिका गुप्ता की जिंदगी का बहुत बड़ा साल साबित हुआ, क्योंकि इस साल उन्हें एडलवाइज असेट मैनेजमेंट का CEO बना दिया गया। राधिका ने सिर्फ 34 साल की उम्र में इतनी बड़ी पोस्ट हासिल की थी। CEO की पोस्ट पर रहते हुए उन्होंने 2019 में इंडिया फर्स्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF यानी कि भारत बॉन्ड ETF लॉन्च किया। राधिका गुप्ता अपने इनोवेटिव एंड कस्टमर सेंट्रिक सॉल्यूशंस की मदद से एडलवाइज म्यूचुअल फंड को टॉप टियर परफॉर्मर फंड बनाने में कामयाब रही। दोस्तों जब वो CEO की पोस्ट पे आई थी तब टॉप टियर परफॉर्मर की लिस्ट में उनकी कंपनी 30th पोजीशन पे आती थी, मतलब 30वें नंबर पे आती थी, और अब वो इंप्रूव होकर 13वें पोजीशन पे पहुंच चुकी है। राधिका एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड यानी कि एमफी में भी अहम भूमिका निभाती रही है। 2021 से लेकर 2023 के बीच में दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के लिए एमफी की वाइस चेयरपर्सन भी रह चुकी है। जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी राधिका उस मुकाम तक पहुंच चुकी है जहां से वो करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गई है। और पिछले कुछ समय से तो राधिका गुप्ता और भी ज्यादा चर्चा में आ गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका शार्क टैंक इंडिया Season 3 में आना। इस शो में ना सिर्फ उनका अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है बल्कि उनकी इंस्पायरिंग जर्नी और एमर्जिंग बिजनेसेस को आगे बढ़ाने के नजरिए से भी लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। राधिका आज सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन ही नहीं बल्कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है जो लोगों को हर चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। उनकी एक वीडियो दैट गर्ल विद अ ब्रोकन नेक को YouTube पर लाखों लोग देख चुके हैं। वो TGIF यानी कि थैंक गॉड आई एम फ्लॉड नाम की एक बुक भी लिख चुकी है जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी में चुनौतियों के बावजूद इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल की इन सब चीजों के बारे में बताया है। दोस्तों इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी राधिका एक माँ की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रही है। वो एक बेटे की माँ है जिसकी उम्र है महज 1 साल। राधिका अपने बेटे को हमेशा अपने पास रखती है। शार्क टैंक इंडिया की शूटिंग के दौरान भी उनका बेटा सेट पे ही मौजूद रहता है। राधिका अपनी सक्सेस का सारा क्रेडिट अपने पिताजी को देती है। उनका कहना यह है कि उनके पिताजी वो शख्स है जिन्होंने हमेशा उन्हें बड़ा ख्वाब दिखाया है। पिता के कहने पे ही वो अमेरिका पढ़ने गई और वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम करके इंडिया में खुद की अपनी एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर पाई। तो दोस्तों ये थी गर्ल विद अ ब्रोकन नेक राधिका गुप्ता की कामयाबी की पूरी कहानी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचानों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी राधिका गुप्ता की जो इंस्पायरिंग जर्नी है इसके बारे में पता चले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।